जो लोग चाहते हैं वो लोग इसमें पैसे खाने के, कब्रस्तान में, स्मशान भूमि में। बच्चा है तो बच्चे से डरते क्यों है? बच्चे से पहले लड़ो, बाप को बाद में। आमदार साहब है, उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पर भाषण किया था कि श्रीकांत शिंदे तो अभी बच्चा है, तो मुझे लगता है कि इस बच्चे से भागने का कुछ जरूरत नहीं थी इस इलेक्शन में। मुझे लगा कल्याण लोकसभा में ये खुद खड़े होने वाले हैं, लेकिन एक बच्चे से वो डर गए। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा में शिवसेना के कल्याण लोकसभा सीट के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की चुनावी रैली थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली में हम आपको इस रैली की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से श्रीकांत शिंदे के समर्थन में सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रैली के दौरान श्रीकांत शिंदे को फूलमाला भी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस रैली के दौरान श्रीकांत शिंदे के साथ सुभाष भोईर, सुधीर भगत, महमूद दलवी, रविंद्र तायड़े, अनवर कच्छी, रीदा रशीद, ऐसे और भी कई जाने माने चेहरे मौजूद थे। इस शिवसेना की रैली में काफ़ी समर्थक नजर आए, जो ढोल नगाड़ों के साथ इस रैली में नाचते झूमते नजर आए। ये रैली दत्तूवाड़ी से शुरू हुई और शिमला पार्क पर जाकर खत्म हुई। इस रैली के दौरान शंकर मंदिर के पास शिवसेना की तरफ से एक सभा भी की गई थी। इस सभा में श्रीकांत शिंदे ने शिवसेना के द्वारा किए गए कामों पर अपना लेबल लगाने वालों पर निशाना साधा, साथ ही कहा जो मुंब्रा में विकास हुआ है वो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। श्रीकांत शिंदे ने कहा, मैं बच्चा हूं तो बच्चे से डर क्यों लगता है? हम आपको सुनाते हैं कि सभा के दौरान श्रीकांत शिंदे ने क्या कहा। आज मुंब्रा की बात करें तो आज मुंब्रा रेलवे स्टेशन पे आप अगर देखोगे, जाओगे वहां पर, तो वहां पे अच्छा टॉयलेट बना है, वहां पे प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ी है, वहां पे लिफ्ट लगाने का काम शुरू है, एस्केलेटर्स का काम हुआ है, और वहां पर ही पांचवी और छठी लाइन का काम भी जोरों शोरों से शुरू है। तो आने वाले समय में रेलवे से जो सफर करते हैं उनको एक अच्छी सुविधा जो है वो रेलवे के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज इस मुंब्रा में भी जो विकास काम हुए है, आज मुंब्रा में स्टेडियम हो, मुंब्रा में अस्पताल हो, मुंब्रा में ये रास्ते हो, ये सब जो हुए हैं वो शिवसेना की देन है। आज शिवसेना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता है, और वो सत्ता के माध्यम से आज मुंब्रा में कई सारे काम जो है इस मुंब्रा में हमने किए। आज मुंब्रा में शिवसेना ने कभी भी देखा नहीं कि इस मुंब्रा में शिवसेना के नगर सेवक नहीं है, तो इस मुंब्रा में हम निधि नहीं देंगे। लेकिन ऐसा न करते हुए जितना थाने में, कलवा में निधि देने का काम शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर हुआ है, वही उतना ही निधि जो है इस मुंब्रा में देने का काम किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है यहाँ पर कि मुंब्रा में वाटर हो, मीटर हो, गटर हो या रास्ते हो, सब कुछ सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है, ऐसे आप सभी को गए कई सालों से जताने की कोशिश चल रही है, बराबर है ना? यहाँ पे मुझे लगता है कि इस कलवा हो, मुंब्रा हो, कुछ भी अगर होता है यहाँ पर तो यहाँ के नगर सेवक भी काम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर खाली एक ही आदमी काम करता है, वो जताता है कि ये सब जो निधि है, ये सब जो काम है वो मैंने खुद ने आकर किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप लोग अगर सांस भी लोगे तो वो आके कहेंगे यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो मेरी ही देह है। आज मुझे लगता है यहाँ के जो आमदार साहब है, उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पर भाषण किया था कि श्रीकांत शिंदे तो अभी बच्चा है, तो मुझे लगता है कि इस बच्चे से भागने का कुछ जरूरत नहीं थी इस इलेक्शन में। मुझे लगा कल्याण लोकसभा में ये खुद खड़े होने वाले हैं, लेकिन बराबर ना? और आज ऐसी परिस्थिति इस मुंब्रा में है या कल्याण लोकसभा में है कि पहले तो यहाँ पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा था कि किसको खड़े करे। पहले बड़े बड़े लोगों का नाम यहाँ पर आया, दिग्गजों का नाम यहाँ पर आया कि कल्याण लोकसभा में ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे
सभी का नाम पीछे हटता गया और बेचारे एक आदमी को जिसको कोई पहचानता नहीं है उसको उसके गले में लेकिन आज पवार साहब की बहुत बड़ी रैली हुई कल्याण ग्रामीण में, बहुत बड़ी रैली हुई। उसमें पूर्व पालक मंत्री गणेश जी नाइक साहब ने क्या कहा रहेगा, अगर चुनाव का माहौल है, सभा होता है तो जो मान्यवर भाषण करने वाले रहेंगे तो वो हमेशा कहते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है इतनी भारी बहुमत से जीतेगा। लेकिन उन्होंने वहां पर क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये हमारा उम्मीदवार अगर उसका डिपॉजिट जब्त हुआ तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मतलब जीतने का तो कोई उम्मीद नहीं है। वहीं सभा के दौरान पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी विरोधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अस्पताल, स्टेडियम, बाईपास ये सब शिवसेना ने किया है, कब्रिस्तान के मुद्दे पर भी तीखा प्रहार किया। साथ ही कहा कि श्रीकांत शिंदे भले ही छोटा है पहले उससे लड़े। रेल का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, कई मुद्दे हो, विकास के मुद्दे हो, उसे वहाँ उठाता है, आवाज उठाता है। डॉक्टर का मुद्दा हो और वहाँ बोलने की कोशिश करता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उनके काम के लिए रेलवे रेल की गाड़ियाँ है, अभी मुझे यहाँ पर कहा है दीवा से CST शुरू हो गई, अभी मुमरा से भी CST शुरू होनी चाहिए, ऐसी भी मांग आई है। निश्चित रूप से मैं श्रीकांत को कहूँगा इस बारे में कोशिश करिए, मैं भी रेल मंत्री को इस बारे में गुजारिश करूंगा। पिछले चुनाव में श्रीकांत शिंदे ने कहा था अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल बन गया है, कारपोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने अस्पताल बनाया है। लोगों की मांग है कि अस्पताल म्युनिसिपैलिटी चलाना चाहिए और ये आपको मैं कहूंगा जो लोग चाहते हैं वही होगा, जो दूसरा चाहता वो नहीं होगा। कि यहाँ पर जो भी काम करने हैं, जो भी किया है, जो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ कॉर्पोरेशन में हुकूमत आज हमारी है, लेकिन कभी भी हुकूमत का हम गलत इस्तेमाल नहीं किया है, पावर का मिसयूज हमने नहीं किया है। ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, इसको अंदर डालो, उसको निकालो, झूठे केस में फंसाओ, ये करो वो करो, ये हमारे खून में नहीं है। ये ज्यादा दिन चलता नहीं, लोग बहुत काफी समझदार है, झूठ मूठ करके परेशान करने वाली बात जो है अभी भूल जाओ। इसके आगे मुंबरा वासी और कौसा के लोग जो चाहते हैं वही होगा, तुम चाहते हो वो नहीं होगा। कब्रिस्तान का मामला है जो जावेद भाई ने कहा यहाँ पर कि किसी बिल्डर के लिए, किसी के फायदे के लिए अगर कोई भी ऐसा गलत काम किया होगा तो हम होने नहीं देंगे, जो मुंबरा वासी चाहते हैं वही होगा। यहाँ पर मुंबरा का कब्रिस्तान का मसला है, निश्चित रूप से उसे कैसा हल करना है जरूर करेंगे। जो लोग चाहते हैं वो लोग इसमें पैसे खाने के कब्रिस्तान में, स्मशान भूमि में, अरे पैसे लेने के तो बहुत से रास्ते हैं ना, उसमें ले लो। जहाँ आदमी इंसान को जाना है, जो जन्म लेता है उसे मरना है, लेकिन उसको चैन से तो मरने दो, उसमें भी पैसे खा रहे हो, ये नहीं होने देंगे हम। जो बड़ा समझता है खुद को उससे अच्छा काम करता है। बच्चा है तो बच्चे से डरते क्यों है, बच्चे से पहले लड़ो, बाप को बाद में। पालक मंत्री ने मुंबरा शहर में विकास को लेकर भी कहा। मुंबरा रेलवे स्टेशन से CST के लिए ट्रेन छोड़े जाने की भी बात की, अस्पताल, सड़क, स्टेशन, ऐसे कई मुद्दों पर विकास की बात की। कहा शिवसेना विकास करती है और दूसरे लोग इस पर अपना लेबल लगा देते हैं, मगर अब वक्त आ गया है बदलने का।
अब ऐसा नहीं होगा और शिवसेना सिर्फ विकास करती चली आई है और विकास करते रहेगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।